प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल 3 अप्रैल 2024 को क्लास सेवेंथ का यहाँ पे सामाजिक विज्ञान और मैथ का फाइनल एग्जाम है। और इस वीडियो में हम आपके मैथ में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से वीडियो को लाइक कर देंगे। यदि आप नए हैं भारतवर्ष क्लासेस पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये भी ध्यान रखना, यह सेट 4 है। इसके पहले मैंने मैट का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 की वीडियो प्रोवाइड कर दी है, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए बच्चा और नोट करते चलिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, आप इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। कहता है 100 का संपूरक कोण क्या है, 100 का संपूरक कोण क्या है। तो देखिए बच्चा, दो प्रकार के कोण होते हैं, एक होता है पूरक कोण और दूसरा होता है संपूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण और संपूरक कोण दोनों ध्यान रखना है। पूरक बोलेगा तो होगा 90 डिग्री और संपूरक बोलेगा तो होगा 180 डिग्री। यानी किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो होता है संपूरक कोण, और यदि किन्हीं दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो होता है पूरक कोण। तो यहाँ पर हमें संपूरक पूछ रखा है। एक कोण है 100, तो 100 में हम कितना जोड़ें कि 180 आ जाए, बस यही ध्यान रखना है। तो 100 में हम 80 जोड़ेंगे, पहले का सही उत्तर सी होगा। दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। संख्याओं को भी आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछ ले, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ ले, सबसे छोटी तो आप कैसे बताओगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछेगा तो एक से एक बताओगे, और दूसरा सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तब आप शून्य बताओगे। ठीक है, दो प्रकार की संख्याओं को आपके याद रखना है। सबसे छोटी सम संख्या पूछ ले तो आप बताओगे 2 होता है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, -15 × -8 का गुणनफल क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें चिन्हों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे है -15, गुना करना है -8 से। अब देखिए 15 के गुना 8 से कीजिए तो 15 × 8 होता है 120। ठीक है, अब चिन्ह यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर है माइनस का चिन्ह और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह। माइनस माइनस हट गया, हो गया प्लस का चिन्ह, तो 120 प्लस का होगा। प्लस का 120 पहले ही विकल्प में दे रखा है तो पहला विकल्प एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चौथा प्रश्न, -1 में क्या घटाया जाए कि -6 प्राप्त हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। देखिए माइनस का 1 है, इसमें हम क्या घटा दें कि -6 प्राप्त होगा। तो यदि हम माइनस के 1 में -5 को घटा दें तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 6 हो गया, और दोनों में से 5 पड़ा है, 5 के आगे माइनस का चिन्ह, इसीलिए 6 भी माइनस का होगा। तो -1 में -5 घटाएंगे तो हमें -6 प्राप्त होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप प्रत्येक प्रश्न को नोट करते चलिए। पाँचवा प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी संख्या 3/5 का समतुल्य है। 3/5 के समतुल्य संख्या बतानी है। देखिए यहाँ पे दे रखा है 3/5 का समतुल्य, ऑप्शन ई आप कर लीजिए 30/50। ठीक है, ऑप्शन ई कर लीजिए, क्योंकि 3/समतुल्य का अर्थ है कि निम्न में से जो भी यहाँ पे भिन्न दे रखा होगा उसको आप काटा पीटी करोगे तो 3/5 आएगा। तो इसको आप काटोगे तो 3/5 आएगा, विकल्प ई सही है। ठीक है, और यदि इसका व्युत्क्रम पूछेगा तब आप 5/3 बताओगे। छठा प्रश्न, 10^3 का सही मान क्या है। देखिए 10^3 का मतलब क्या है कि 10 की गुना 10 से 3 बार कर दे रहा है ऐसे। तो यहाँ पे देखिए 1 और 1 के पीछे 3 जीरो लगा दीजिए, यहाँ पर होगा 1000, यानी ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर है। सातवां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, 2^5 × 2^7, इसका सही मान क्या होगा। 2^5 और 2^7, इसका आपको सही मान बताना है। किस प्रकार बताओगे, यहाँ पे 2 की गुना 5 पर कर दो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 की गुना 5 बार करोगे तो आएगा 32, फिर गुना, अब 2 की गुना 5 बार किए हो और 2 बार और कर दो तो आएगा 128, 32 × 128 आ गया, 32 × 128 आ गया। 128 की गुना 32 से करोगे तो होगा 4096, 4096 इसका सही उत्तर होगा।
आठवां प्रश्न है, यदि 40 रुपए में 1 किलोग्राम आम मिलता है तो 120 रुपए में कितना किलोग्राम आम मिलेगा। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। 1 किलोग्राम आम का दाम है 40 रुपए, तो 1/40 लिखेंगे, हमें 120 रुपए में ज्ञात करना है, तो गुना कर देंगे 120 से। अब इसकी काटा पेटी कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 का पहाड़ में 12, 3 बार में, तो यहाँ पर आएगा 3 किलोग्राम, यानी 120 रुपए में 3 किलोग्राम आम मिलेंगे। नौवां प्रश्न है, 12/50 का प्रतिशत रूप क्या है। देखिए बच्चा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे करेंगे। 12/50 है, कोई भी भिन्न को यदि आपको प्रतिशत में बदलना हो तो उसकी गुना 100 से कर दीजिएगा। तो 12/50 की गुना 100 से करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 का पहाड़ा में 10, 2 बार में, 12 की गुना 2 से, तो 12 दूनी 24, 24% सही उत्तर होगा। 24% सही उत्तर होगा, डी एकदम सही है। वहीं आपको पूछे कि आप प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलोगे, जिसे यहाँ पे दे रखा है 24%, और पूछेगा कि इसका भिन्न क्या होगा, तब आप इसे भाग दे देते 100 से, 24/100 हो जाता। अब इसको काट लेते 2 का पहाड़ा में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 50 बार में, यानी 12/50 हो गया। तो इस प्रकार प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना आप यहाँ पे सीख गए। दे रखा है x का 50% का मान 200 है, तो x का मान क्या होगा बताइए, यहाँ पे क्या होगा, 50% का मान कितना है 200 के बराबर, तो 50% हम सीधा 200 के बराबर करते हैं। x को हम मान लेते हैं 100% है, सो 100 का मान ज्ञात करना है, तो 50% है 200 के बराबर, तो 200/50 होगा, और गुना कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें 100% ज्ञात करना है। तो यहाँ से कट गया, 5 का पहाड़ा में 10, 2 बार में, ठीक है। x का 50% का मान 200 है, ठीक है, x का 50%, 50% 200 है, तो पूरा 200 और 200 कितना हो गया, 400 हो गया, 400 हो जाएगा। यदि राशि का 50% का मान 500 है तो संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बच्चा, 50% कितना का मान है, 50% का मान है 500, मतलब आधा राशि है 500, तो संपूर्ण राशि क्या होगी, 500 जोड़ 500, ठीक है, 50% मतलब आधा होता है, आधा राशि 500 है, तो संपूर्ण राशि 500 जोड़ 500 होगी, यानी संपूर्ण राशि 1000 रुपये होगी, ठीक है, वेरी गुड। 12वां प्रश्न है, एक टीवी 5500 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया गया, तो टीवी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हमें यहाँ पर दे रखा है 5500 रुपये में हम टीवी खरीद रहे हैं और उसको 120% लाभ में बेच रहे हैं, यानी 120 यहाँ पे 20 120% होगा, क्योंकि 20% लाभ है, प्रतिशत होता है 100 का, 100 पर 20%, तो 120 हो गया। अब इसको काटा पीटी करिए, 0 से 0 कट गया और 12/5 होता है 60 हुआ और 1 0 और 6000 हो जाएगा, यानी टीवी का विक्रय मूल्य 6000 रुपये। यदि 5000 रुपये की राशि 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो 4 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए बच्चा, साधारण ब्याज याद करने का एकदम सिंपल सा सूत्र याद रखिए, PRT%, PRT%, और इसी सूत्र से आप कीजिए, 1% भी आपका गलत नहीं होगा। P यानी प्रिंसिपल, मूलधन कितना है 5000 रुपये, तो 5000 सीधा लिख देंगे। रेट कितना है 3%, तो 3 लिख देंगे। समय कितना है 4 वर्ष, तो 4 लिख देंगे, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। अब इसकी काटा पेटी कीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, अब इसको कर लीजिए, 5 ही गुना 4 से करेंगे, तो 5 2 20 हुआ, ऐसे एक लिख दीजिए 20, और यहाँ 1 0 200 हो गया, और 200 की गुना 3 से करेंगे तो 600 6 0, इस प्रकार हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, लिख लीजिएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार कितना दे रखा है 4 और ऊंचाई कितना है 4, तो 2 का पहाड़ा में 4, 2 बार में कट गया, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सूत्र, याद कर लीजिए। और 15वां प्रश्न है, यदि किसी त्रिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3 हो तो
परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप बताइए वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो आप बोलो कि सर वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, यहाँ पर है 2 और 3। हम मान लेते हैं कि पहला का जो त्रिज्या है वो 2 है, दूसरा का 3, तो 2πr बराबर 2πr होगा। अनुपात है तो बराबर होगा, 2 से 2 कट गया, पाई से पाठ कट गया, और R1 बराबर आया R2 के, तो 2:3 ही होगा। यानी किसी त्रिभुज के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो तो परिधियों का अनुपात भी 2:3 ही होगा। तो ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट 4, सेट 1, 2 और 3 वाली आप जल्दी से जा करके देख लीजिए और उन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। थैंक यू बच्चा, सेट 5 जल्दी ही आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।